वालेकुम दोस्तों जैसा कि हमने लाइव एक्सपेरिमेंट करके दिखाया है आपको पिछली वीडियोस में उनसे मुतलक और उनसे पहले एक वीडियो के मुतलक हमारे एक दोस्त ने क्वेश्चन किया था और उसने बताया कि मैंने आपका फार्मूला बनाया है वो बन गया है तो उसका मुझे जवाब दीजिए और मज़ीद भी काफ़ी सारे सवाल आए हुए हैं तो हमें हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि उन सब दोस्तों को वहाँ पर जवाब दें तो हमने सोचा कि उस को हम लाइव आपके सवाल सुनाएंगे और लाइव वो अपना तजर्बा शेयर करेंगे आपको जो जवाब देंगे मेरे ख्याल में वो मतमिन करने वाला जवाब होगा तो चलिए चलते हैं आपके सवाल के जवाब की जानब सबसे पहला सवाल है हमारे दोस्त विक्की वैसलिन का वो कहते हैं कि ये तजर्बा किया था हमने और सौ ग्राम से तीन ग्राम पाउडर निकला है और उसका रिजल्ट लाल नहीं आया पर वो तेज़ा भी है अल्लाह का शुक्र है और मुझे आगे का बताएं अगर मैं ये तांबा एक से दो ग्राम चांदी चरखा कर उसमें डाल दूं तो क्या ये चांदी तेजा तेज़ाबी बन जाएगी तो सर जी इसका जवाब क्या होगा इसका ये जवाब है तीन ग्राम नहीं आना चाहिए था कम से कम भी पंद्रह ग्राम ये तांबा जो है साफ किया वो लाल रंग खून के रंग जैसा आपको मिलना था जो आपने थोड़ी सी गलती की है वो ये है कि पहले तो आपने नीला तूतिया जो है साफ़ नहीं लिया जिसका रंग बिल्कुल नीला हो अंसार की दुकान से अच्छा सा आपने नीला लेना था नीला तूतिया ये पाउडर किया हुआ जो पड़ा होता है इसमें तांबा कम होता है जो गिल्टी होती है उसमें तांबा सही होता है अच्छा वो अगर लिया है तो इसमें आगे जाकर आपकी क्या गलती हुई है कि आगे जाकर ये जो खंगर जब बन गया पानी सूख गया बिल्कुल खंगर जो है उस पाउडर को आपने पीसा नहीं ऐसे ही तिजाब में डाल दिया है अगर वो खंगर को आपने खूब पीस कर में डाला होता और तीन चार घंटे तक रखा होता तो ये इसका रंग तांबे का जो निकलेगा बिल्कुल खून की तरह रंग निकलेगा बिल्कुल एहतियात से आप इसको निहार करना है जब तजा में डाल कर रखो तो उसको दो तीन घंटे के बाद उसके बाद इसमें पानी डालकर आहिस्ता आहिस्ता आपको निहार करनी है उसका नमक जो चीज़ें हैं उनका नमक जो बाहर निकलना चाहिए और लाल रंग जो है आपने जल्दी किया है आपने थोड़ा तांबा आपको क्यों मिला है कि आपने जल्दी जल्दी से किया है इसमें वो पानी में बह चुका है नहीं तो आपको पंद्रह ग्राम तक ये मिलना था बारह से पंद्रह ग्राम तक तांबा मिलना था आपने जल्दबाजी की है इसलिए वो नमक और ये तांबा मिलकर पानी में बह चुके हैं यही गलती है आपकी या तो आपने कहीं गलती कर दिया है ये बिल्कुल खून की तरह ये तांबा होता है और इसको अगर हाथ लगा कर किसी सफ़ेद कपड़े को तो उसका रंग नहीं उतरता ऐसा ये रंग बन जाता है बिल्कुल खून की तरह होता है इसको खरल करके तेज़ में डालना था अगर ये खरल भी किया है तो आप जल्दी जल्दी निहार करते रहें ये उस तांबे को बैठने नहीं दिया पानी में यही वजह है कि आपका जो है पाउडर थोड़ा निकला है और जो है रंग भी उसका कम निकला है इसको ज़्यादा पानी डालना था ज़्यादा पानी डाल के उबालना था और जो आपने पंसार से लिया है नीला तोतिया वो सही नहीं है इस वजह से ये रंगीन इतना नहीं है अगर सही सही ले तो बिल्कुल खून की तरह ये आपको तांबा मिलेगा ये बारह ग्राम से पंद्रह ग्राम आपको तांबा मिलेगा आगे चलकर ये जो तेज़ा बन गया है जैसा भी है जैसा भी बन गया है बिल्कुल इसको तेजाब नहीं खा के दस दिन तक भी तेजाब में रखे रहोगे तो इसको तेजाब नहीं खा अब इसको जिंदा करना पड़ेगा जिंदा करके बाद में ही इसको चांदी में डालना पड़ेगा जो आप कह रहे हैं कि जर्मन की कंपनी का पहले मिलता था वो हमने भी किया था लेकिन वो अभी नहीं मिल रहा इस वजह से आप परेशान हैं ये तांबा बिल्कुल मिलेगा इस चांदी में बैठेगा लेकिन पहले इसको जिंदा करना पड़ेगा जिंदा करने के बाद ये इस चांदी में मिलेगा और चांदी को भी रंगीन भी करेगा और इसको तेजा भी बनाएगा दोस्तों उम्मीद है कि आज का जवाब आप दोस्तों के लिए बहुत ही फ़ायदा साबित हुआ होगा आइंदा भी हमने ये इस सिलसिला शुरू किया है उस्ताद जी से लाइव बैठकर हम सवाल करेंगे और आपको उस्ताद जो हैं कि लाइव जवाब देंगे उम्मीद है कि उस्ताद साहब के इस तजर्बे से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो हमने कोशिश की है कि आपके दूसरे जिन दोस्तों ने सवाला किए हैं उनके भी जवाब दें तो आगे वाली वीडियो बना रहे हैं एक दूसरे दोस्त का सवाल है उसका जवाब इन आपको बहुत पसंद आएगा मज़ीद आप दोस्त इस वीडियो से मुतल कोई सवाल करना चाहें वो भी कर सकते हैं तो मिलते हैं अगली आने वाली कीमती वीडियो में